कोरिया जिले के जनकपुर में रहने वाले डॉक्टर शरद मिश्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो इसलिए कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल से शुरू किया अपना सफर, 65 की उम्र में शासकीय कॉलेज से प्रोफेसर पद से रिटायर हुए। असामान्य बात यह है कि अपने स्कूली जीवन से अब तक 425 किताबें लिख डाली हैं। इनमें देश के प्रख्यात साहित्यकारों बाणभट्ट, प्रेमचंद, कालिदास के संपूर्ण साहित्य और कला पक्ष का संकलन उन्होंने तैयार किया है। 14 से 15 हजार गजलें लिखने का श्रेय भी उन्हें जाता है। समसामयिकी पर विचारोत्तेजक लेखन पर उन्हें महारत हासिल है। देश भर का भ्रमण कर चुके डॉक्टर शरद मिश्र के मार्गदर्शन में 70 से ज्यादा विद्यार्थी PhD कर चुके हैं। डॉक्टर शरद मिश्र अपने आप में चलती फिरती एक लाइब्रेरी है। कृष्ण जी के जन्मदिन पर, ये पावन जन्मदिन पर है, तो शिक्षकों को सबसे पहले तो अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अधिकार अपने आप उन्हें मिलेंगे। और जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में, तो आज से 65 साल पहले, तो स्कूल में बहुत मार पड़ा करती थी, और अगर हम उस मार को घर में बताते थे तो उससे दोगुनी मार हमें घर में पड़ा करती थी। और माँ बोलती थी, गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्याए छम छम। उसके बाद मैंने तब से सोच रखा था कि जिस दिन मैं नौकरी में आऊंगा शिक्षक की, मैं भी बच्चों को ऐसे ही पीटूंगा, सबसे बदला लूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की, उसी के आसपास सरकार का एक आदेश आ गया कि आप बच्चों को छू नहीं सकते हैं, छूना भी बेकार है। आप बच्चों को समझाइए, प्रेम से बताइए, क्योंकि विदेशों में यही होता है, बच्चों को समझाया जाता है। और निश्चित है आज हम विद्यार्थियों को मारेंगे, डांटेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो उनका विकास तो उतना नहीं होगा जितना हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर हमने कहा बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है, तो वास्तव में बहुत अच्छा लिखेगा, है ना। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम बच्चों को अच्छे ढंग से, सही ढंग से शिक्षित करें, और राधा कृष्णन का ये नाम चलता रहे, क्योंकि वो बेहतरीन शिक्षक थे। उसमें ये है कि मैंने केवल अध्ययन, अध्यापन और लेखन, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं जाना। वास्तव में 425 किताबें लिखना माने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा देना होता है। बन जाती है जब मेघ नयन बरसाता है, सागर से अपनी आंखों में शीतल जल लेकर आता है। और 1973 में जब मैं पंजाब में था, तब मेरे पास 300 गजलें थी, 100 श्रृंगार पर और दूसरी विसंगतियों पर। और उसके बाद जो लेखन शुरू हुआ तो हुआ, प्रकाशन शुरू हुआ तो हुआ। पहला प्रकाशन मेरा 1992 में हुआ था, गजल संग्रह थी तुम्हारे लिए।